बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की कहानी का उन्वान है एक बेटे का माँ से वादा, और ये एक मोरार स्टोरी है। स्टोरी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, स्टोरी स्लाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, और उसके बाद जो ऑप्शन आएंगे उसमें आप ऑल के नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो को वक्त पर मिले। गर्मियों की एक दोपहर थी और सूरज बड़ी आबोताब के साथ चमक रहा था। शरारती लड़कों का टोला नहर किनारे जा पहुंचा। लड़के जब नहर किनारे पहुंचे तो देखा कि बाहर बोर्ड लगा हुआ है और इस पर लिखा हुआ था कि नहर में नहाने की इजाजत नहीं है, लिहाजा नौजवान मुहिम जोई ना करें। पर ये लोग कहां बाज आने वाले थे। माँ हसन की अम्मी ने इसको सख्त ताकीद की थी कि बेटा नहर की सैर को तो जाओ, पर इसमें नहाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करना। हसन ने अपनी अम्मी से वादा किया कि वो नहर में नहीं नहाएगा। खैर, शरारती लड़कों का टोला नहर तक पहुंचा। नहर पर पहुंचते ही वो बेकाबू से हो गए। नहर के करीब पहुंचकर लड़कों ने ऐलान किया कि जो कोई भी नहर में पहले छलांग लगाएगा उसे इनाम मिलेगा। हसन ने कहा कि मैंने अपनी अम्मी से वादा किया है कि मैं नहर में नहीं जाऊंगा, और वैसे भी केबिन में बैठे हुए गार्ड हमको देख रहे हैं। अजहर ने कहा, अरे यार देखो गार्ड दोनों ही बातों में मसरूफ हैं, और वैसे ही कौन सा तुम्हारी अम्मी यहाँ पर है। और नदीम ने इसको खूब चढ़ाया, अरे तुम तो बुजदिल हो और डरते हो। ये कहकर नदीम ने नहर में छलांग लगा दी और सब देखते रह गए। सब लड़कों ने नदीम की तालियां बजाकर हौसला अफजाई की। उस वक्त पानी पूरे जोर पर था। देखते ही देखते नदीम तेज पानी के बहाव में गोते खाने लगा। खुशकिस्मती से गार्ड ने बरवक्त इनको देख लिया और फिर नहर में छलांग लगाकर नदीम को बचा लिया। दूसरे गार्ड ने डांट डपट कर लड़कों को दूर किया। जब नदीम को बाहर निकाला गया तो उस वक्त उसके पेट में पानी भर चुका था, मगर इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिलने पर नदीम फौरी तौर पर होश में आ गया। होश में आते ही इसकी नजर अपने सहमे हुए दोस्त हसन पर पड़ी तो इसने कमजोर आवाज में कहा, मेरे दोस्त तुम बुजदिल नहीं हो और ना ही डरपोक हो, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने हमारे लाख उकसाने पर भी अपनी माँ से किया हुआ वादा ना तोड़ा। सारे ही लड़के तहसीनी नजरों से हसन की तरफ देखने लगे, फिर सब ने हसन के लिए तालियां बजाईं।